हिंदू विस्थापित संस्था की बैठक आज हरिओम नगर स्थित सार्वजनिक पार्क में हुई। बैठक में जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर अतिथि शामिल हुए। संस्था के पदाधिकारियों ने शेखावत को पाक विस्थापितों की समस्या से रूबरू करवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह पाक विस्थापित रिफ्यूजी का जीवन जीने पर मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि नागरिकता सहित कई मांगे उनकी लंबित है, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इस पर शेखावत ने उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। 2005 में बीजेपी की सरकार ने इन लोगों को कैंप द्वारा नागरिकता दी गई थी। हम वही आज भी यही सरकार है, उनसे भी ये आशा करते हैं कि इसी तरह एमपी साहब को हमने ये बताया है, ये हमारी बात पार्लियामेंट में उठाए, पहले की तरह इन लोगों को नागरिकता दिलाई जाए, टेम्परेली राशन कार्ड दिया जाए, गैस कनेक्शन दिया जाए, गैस ड्राइविंग लेसन जो वो दिया जाए, और रहने के लिए कोई जगह चिन्हित की जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को इनको रहने के लिए जगह है ही नहीं। इसके लिए सरकार को ये हमें कहते हैं, एमपी साहब को ये कहते हैं कि राज्य सरकार को है कि राज्य का मामला है, तो राज्य सरकार की इतनी ज़मीन पड़ी इन लोगों को यहाँ दी जाए तो काफ़ी लोग बेचारे चैन से रह सकें कि जब तक नागरिकता नहीं मिले तो ये राज्य सरकार इनके लिए सुविधा करे।